हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। सो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो भी एनटीए की तरफ से नोटिस आई है एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को लेकर, किसी यू एट को लेकर के, किसी यू एट में मतलब कि क्या होगा, करेक्शंस विंडो कब ओपन होगा, क्या आप इसमें फिल कर सकते हैं एंड ऑल जो भी डिटेल्स आई हैं उन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे और ये भी जानेंगे कि क्या वो जो नोटिस है क्या वो सही है या गलत है। तो जैसा कि काफ़ी 1 or 2 hours से सर्कुलेट हो रहा है कि मतलब कि क्या ये नोटिस सही है या गलत है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हाँ, वो नोटिस सही है। ठीक है, जो नोटिस आई है वो बिल्कुल नोटिस सही है, नोटिस में कहीं से कोई डाउट नहीं है। क्योंकि अगर हम नोटिस की अगर हम जड़ पे जाएँ तो आपको ये पता चलेगा कि जब मैं अगर ट्विटर पे अगर मैं चलता हूँ तो जस्ट लाइक जैसे कि मम्मी डाला जगदीश कुमार को आप जानते हैं कि चेयरमैन है यूजीसी के एंड प्रोफेसर है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग आईआईटी दिल्ली में, तो इन्होंने अभी 1 hours पहले इस चीज़ को लेकर क्लियर किया है कि एनटीए की जो टेस्टिंग एजेंसी है वो कंडक्ट करेगी एग्जामिनेशंस को एट डिफरेंट सेंटर लोकेटेड इन 554 सिटीज अक्रॉस इंडिया। तो 554 सिटीज अक्रॉस इंडिया में भी होगा, जो कि 13 सिटीज आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर में भी होगा, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज़ की इन्होंने ये भी कहा है कि ये कंडक्ट कब होगा, 15 में होगा, 16 में होगा, 19 में होगा, तो इन्होंने इन सारी चीज़ों को क्लियर किया। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम यहाँ से वापस आते हैं और अगर हम ANI को रिपोर्ट को देखते हैं तो जो कि गवर्नमेंट की काफ़ी ऑफिशियल जो भी न्यूज़ यहाँ पे होती है वो सारी चीज़ें यहाँ पे रहती है। ठीक है, तो ANI एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल जो है यहाँ पे आपको सारी अपडेट्स भी मिल जाती है। ठीक है, कि आखिर कहाँ पे क्या हो रहा है नहीं हो रहा, तो ANI ने भी इस चीज़ को लेकर क्लियर किया है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विल बी कंडक्टिंग CU8 2020 एट डिफरेंट सेंटर लोकेटेड इन 554 सिटीज अक्रॉस इंडिया एंड 13 सिटीज आउटसाइड इंडिया। तो ये चीज़ें, अब मैं इनकी वेबसाइट्स पे मैं जाता हूँ तो मतलब कि नोटिस बिल्कुल सही है, उनकी वेबसाइट्स पे ये अवेलेबल नहीं था। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड गो टू NTA वेबसाइट। सो NTA की वेबसाइट्स पे जाते हैं और जैसा कि अभी मैं बता दूं कि NTA की वेबसाइट्स पे ये जो नोटिस है ये बिल्कुल अब अवेलेबल कर दिया गया है। तो जैसे कि अगर हम नीचे चलते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा है पब्लिक नोटिस CU80 2022 22/6/2022 सब्जेक्ट डेट्स ऑफ करेक्शन री ओपनिंग फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म। तो हम लोग इसको रीड आउट कर लेते हैं कि आखिर क्या है इस नोटिस में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि आपको दिख रहा है कि पब्लिक नोटिस है CU8 2022, उसके साथ साथ यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कॉमन सब्जेक्ट डेट्स फॉर करेक्शन रीओपनिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म एंड द एग्जामिनेशन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। उसके साथ साथ इसमें बताया गया है कि भाई 554 सिटीज़ में होगा अक्रॉस इंडिया, 13 सिटीज़ आउटसाइड इंडिया। अभी तक इसमें कितने 950,804 कैंडिडेट्स ने रजिस्टर किया है जो कि 86 यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेंगे। उसके साथ साथ इसमें ये भी बताया गया है कि कौन कौन सी है, तो 43 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, 13 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है और 12 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ एंड 18 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। द कैंडिडेट कैन टेक द टेस्ट इन एनी ऑफ द 13 मीडियम बींग ऑफर्ड। तो कैंडिडेट इसमें 13 मीडियम में टेस्ट को दे सकते हैं, ये हमने पिछले वीडियो में हमने देखा है, अगर आप चाहें तो वहाँ जाके देख सकते हैं कि हमने जो बताया है कि कौन कौन से मीडियम्स में लोग दे सकते हैं, उनका क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, वो सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। सिलेक्ट एनी कॉम्बिनेशन आउट ऑफ द 33 लैंग्वेज एंड द 27 यूनिक सब्जेक्ट्स। वन कैंडिडेट हैज़ अप्लाइड इन मोर देन 5 यूनिवर्सिटीज़ ऑन एन एवरेज। तो एक यूनिवर्सिटी, एक स्टूडेंट ने कम से कम 5 यूनिवर्सिटीज़ को ऑन एन एवरेज किया है। मोर देन 54,000 यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट चूजन बाय द वेरियस कैंडिडेट्स। तो 54,000 यूनिक सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है जो अलग अलग लोगों के द्वारा चूज़ किया गया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अलग अलग तरीके से चूज़ किया है। अकॉर्डिंग टू द CU8 UGC विल बी कंडक्ट ऑन 15/7/2022 16/7/2022 जो मैंने अभी आपको बताया था 19/20/4/5/6/7/8/10 इन CBT मोड, यानी कंप्यूटर बेस्ड मोड में ये होगा। सिंस इट इज़ द ओनली एग्जाम फॉर द एंट्री इनटू द सेंट्रल यूनिवर्सिटी सिस्टम, द रजिस्ट्रेशन इज वंस अगेन बीइंग ओपन फॉर वन टाइम ऑन द डिमांड ऑफ द कैंडिडेट्स। एक बार और फिर से इसको ओपन कर दिया गया रजिस्ट्रेशन को, तो मतलब कि आप जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिन लोगों ने अगर मिस कर दिया है कि उन वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं तो रजिस्ट्रेशन वो जाके कर सकते हैं। ऑल द कैंडिडेट्स हु आर इंटरेस्टेड टू अप्लाई फॉर द सेड एग्जामिनेशन आई एडवाइज टू विजिट CU8.samarth.ac.in एंड कंप्लीट द एप्लीकेशन प्रोसेस, और वो एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। स्टार्ट डेट रजिस्ट्रेशन और करेक्शन, जिनको जो करेक्शन करना चाहते हैं वो करेक्शन भी कर सकते हैं, और जो चाहते हैं कि हम रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो वो 23 तारीख से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं सुबह 9 बजे, मीन्स कि कल सुबह 9 बजे से आपकी रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएंगे। साथ ही साथ इन डेट का जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका कब है, तो 24 को है, मतलब कि आपका एक आपको 2 दिन का मौका दिया जाएगा, 23 और 24, रात के 11:50 में ये क्लोज हो जाएगा। और करेक्शन जो है इसमें दिया हुआ है, आपको पता ही है। उसके बाद अगर हम बात करें, द कैंडिडेट आर ऑल्सो अलाउड टू मेक द करेक्शन इन द ऑनलाइन मोड लेटेस्ट बाय द 24/6, मतलब कि आपको एक ही दिन के, अगर आपने इस जो आपने कल भी फॉर्म अगर फिल किया, अगर आप उसमें भी मिस्टेक करते हो तो आप उसको एक ही दिन के अंदर आपको उसको सही करना होगा।
कैंडिडेट में टेक द नोट ऑफ द अबव एंड द एक्ट नोट अकॉर्डिंगली. कैंडिडेट उसी के हिसाब से वर्क करेंगे. कैंडिडेट आर ऑल्सो एडवाइज टू कीप द विजिटिंग ऑफ द NTA वेब कि आपको जो भी अपडेट्स आती रहे वो वहाँ से आपको मिलती रहे. और अगर आपको बाकी अपडेट्स भी जो भी चाहिए वो आपको हमारे ऐप पे भी हमारे वेबसाइट्स पे भी आपको मिल जाएगी और हमारे यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगी. तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं. यहाँ पे जो भी अपडेट्स आएगी वो हमारे चैनल पे आपको प्रोवाइड की जाएगी. फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन रिलेटेड टू CUET 2022 कैंडिडेट्स कैन राइट टू NTA@CUET. तो आप यहाँ पर मेल कर सकते हो और या कॉल आप कर सकते हो. इसके बाद अगर हम बात करें कि कैंडिडेट इसमें से क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं क्या क्या चीज़ें नहीं कर सकते. कैंडिडेट शैल नॉट बी अलाउड टू चेंज द मोबाइल नंबर ईमेल आईडी और एड्रेस इन परमानेंट एड्रेस और ये सारी चीज़ों को आप नहीं चेंज कर सकते. ठीक है. कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज एनी ऑफ द फील्ड मतलब कि इस ये सारी चीज़ को चेंज कर सकते हैं. मतलब अपना नाम चेंज कर सकते हैं, फादर मदर्स का नाम, फोटोज चेंज कर सकते हैं, सिग्नेचर चेंज कर सकते हैं. कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज ऑल द फील्ड यानी क्लास 10th 12th की मार्कशीट्स वगैरह ये चेंज कर सकते हैं. कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज ऑल द प्रेफरेंसेज एंड द मीडियम यानी एग्जाम सेंटर की सिटीज और ये सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं. इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम या जो भी वो चाहते हैं वो चूज़ कर सकते हैं. कैंडिडेट शुड बी अलाउड टू चेंज ऑल द फील्ड यानी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, PW, BD ये सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं. अगर कुछ भी इफ़ देयर इज़ एन इम्पैक्ट ऑन द फी देन द एडिशनल फी विल बी चार्ज एज पॉसिबल. अगर कुछ भी इम्पैक्ट होता है इसमें तो एडिशनल फी आपसे चार्ज किया जाएगा. करेक्शन इन दीज फील्ड विल बी एप्लीकेबल ओनली आफ्टर द पेमेंट ऑफ एन एडिशनल फी. तो करेक्शन इन सारे फील्ड में तभी एप्लीकेबल होगा आफ्टर पेमेंट ऑफ द एडिशनल फी. द ओनली वन टाइम करेक्शन विल बी अलाउड टू द कैंडिडेट. वंस द करेक्शन आर डन एंड सबमिटेड द फॉर्म शैल बी फ्रोजन. अगर एक बार आपने जो भी डिटेल्स आपने फिल किए डिटेल्स फिल करने के बाद आपने अगर उसमें कुछ भी आपको चेंज नहीं करने को आपको दिया जाएगा और उसको वहीं पर फ्रोज कर दिया जाएगा मतलब उसको वहीं पर रोक दिया जाएगा. सो यू आर नॉट अलाउड टू डू एनीथिंग. सो अभी के लिए यही नोटिस है. तो आप और ये जितनी भी चीज़ें जो भी मैंने आपको नीचे में बताई है ये सारी चीज़ें जो भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन है उन सब के लिए अप्लाई नहीं होगी. मतलब वो एक ही बार है मतलब वो फिल करेंगे उसको कोई भी मिस्टेक्स नहीं करनी है ये सारी चीज़ें नहीं करनी है. सो अगर आप फर्स्ट टाइम फिल कर रहे हो तो डोंट डू सच टाइप ऑफ बिहेवियर्स कि हाँ ये सही है गलत है और आपने कुछ गलत फिल कर दिया. सो आप फॉर्म फिल करते वक्त बहुत सारी चीज़ों को आप ध्यान रखो. और अगर आपने फॉर्म अगर नहीं फिल किया है तो आप हमारे चैनल पे जाओ, चैनल पे जाके वीडियोस को चेकआउट करो. हमने वहाँ पे बताया है कि किस तरीके से आप सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो, क्या आपका प्रेफरेंस होना चाहिए, किस तरीके से आप कौन कौन से फील्ड में आप क्या क्या फिल कर सकते हो, इन सारी चीज़ों को. तो मिलते हैं अगली वीडियो में. तो डैट्स ऑल फॉर टुडे. और जो मैंने आपको बताया कि नोटिस जो है ये बिल्कुल सही है.